आखिर बालाजी से दर्शन करके आने के बाद घर पर इतनी सारी गैया क्यों इकट्ठा थी? वीडियो ध्यान से देखें, आपको भी पता चलेगा इतनी सारी गौ माता हमारे घर के सामने क्यों इकट्ठा हुई है। इतनी भीड़ की 5 घंटे तक दर्शन हो पाना असंभव था। क्या किया हमने कि झटपट से मात्र 10 मिनट में हमने बालाजी के सामने से दर्शन कर लिए। जय श्री बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमने खाटू श्याम से बालाजी की यात्रा की वीडियोस बारी बारी से 2 अपलोड किए हैं। ये तीसरा और आखिरी वीडियो है जब आज हम जा रहे हैं सालासर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में ही माता रानी का ये एक मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी बड़ा भी है ये मंदिर। यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ता है, भोलेनाथ माता पार्वती का यहाँ प्रतिमा स्थापित है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़े लेवल पर मंदिर बनाया गया है। और ड्राइवर भैया ने कहा कि नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी का दर्शन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप भी खाटू श्याम से सालासर बालाजी की ओर जाएं तो रास्ते में इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा, कितना बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम आधे घंटे का समय व्यतीत किया और जोड़े जोड़े में जा करके यहाँ पर हमने दर्शन किए, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया और मंदिर के अंदर का जो दृश्य था वो और भी ज़्यादा सुंदर था। बहुत ही प्यारी सी माता रानी वहाँ पर स्थापित हैं। तो जब आप जाएंगे तो रास्ते में ही आपको मेन रोड पर ही ये मंदिर मिलेगा। थोड़ा सा साइड जाना होता है जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है, वहाँ पर जाके आप दर्शन करें और यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य ही चढ़ाएं। इसके बाद आपको मन्नत मांगनी होती है और यहाँ पर कलावा बांधना होता है। आप देख सकते हैं कितना सारा कलावा यहाँ पहले से बंधा हुआ है। सभी लोगों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगकर माता रानी को कलावा बांधा है। तो हम लोगों ने मन्नत मांगी और अपने नाम का कलावा भी यहाँ पर बांध दिया। नहीं बताने चाहिए, सही कहा। आना देखो, तो दोस्तों क्योंकि आज ही हमारी शाम की ट्रेन भी है जो कि हमें लौटना है दिल्ली के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट से यहाँ दर्शन किया और निकल गए सालासर के लिए। आपको चलिए जल्दी से माता रानी के एक बार दर्शन करा देती हूँ। ये है माता रानी का दरबार, इन्हें प्रणाम करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद हमारी यात्रा जो है आगे की ओर बढ़ी और निकल गए हम बालाजी के लिए। रास्ते में सब लोग इतने थके हुए थे, ये देखिए हमारे साथ वाले आधे ज़्यादा लोग सो रहे थे। ट्रैवलिंग में बहुत सारे लोगों को वैसे नींद आती, पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। चाहे मुझे कहीं भी जाना, रास्ते भर बस भजन कीर्तन करते हुए मैं पहुंच जाती हूं। और एक बात और भी कि मुझे डर भी लगता है, इसलिए मैं नहीं सोती हूं रास्ते में। तो ये है हमारे बालाजी का मंदिर। यहां पर आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह से, बीचों बीच मार्केट में ये मंदिर जो है बना हुआ है। और इसके मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो इस तरह से एक अच्छी खासी भीड़, मतलब खाटू श्याम से ज़्यादा हमें सालासर बालाजी में भीड़ देखने को मिली। और वो भीड़ ऐसा नहीं था कि एक टाइम के बाद रुकेगी, नहीं, वो कंटिन्यू बढ़ती रही बढ़ती रही और इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कुछ कहने को नहीं। दर्शन करना जो है वो मुश्किल हो रहा था और इतने हैवी अमाउंट में यहाँ पर लोग थे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने प्रसाद लिया। ये बीच का जो है आंगन है, इसके आगे मंदिर का रास्ता है और यहाँ पर इस पेड़ पर बहुत सारे लोग नारियल बांध रहे थे। यहाँ पर मनोकामना के साथ नारियल बांधा जाता है, तो हमने भी कलावा में करके नारियल यहाँ पर अपने नाम का बांधा। होता है ना, जिस भी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं, जो भी वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं वो हम करते हैं। तो भाई किसी तरह हम यहाँ से पार होकर जब पहुँची तो हमने देखी इतनी बड़ी और इतनी भयंकर लाइन। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो लाइन में लगे हैं। दोस्तों यहाँ से तो लाइन की शुरुआत है, इसके पीछे लाइन इतनी लंबी थी। और ये लाइन भी नहीं थी, ये एक भीड़ थी। ये देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं पूरा ओवरब्रिज यहाँ से फुल है और ये एक प्रॉपर भीड़ थी। तो हम समझ गए थे कि भाई सीधे सीधे दर्शन हमें नहीं होने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर किए VIP दर्शन। जी हाँ दोस्तों, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा था कि VIP दर्शन करें, क्योंकि हमारी ट्रेन थी दोपहर की। तो हमने थोड़े से पैसे खर्चा किए और पंडित जी से बात की और डायरेक्टली बालाजी के हमने दर्शन कर लिए। आपके पास भी अगर समय कम हो तो आप बालाजी के डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप VIP दर्शन करेंगे तो मात्र 10 मिनट में आपके दर्शन बहुत ही अच्छे से सामने से हो जाएंगे।
किंतु दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि आप वीआईपी दर्शन ही करें, अगर आपके पास समय है तो आप लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद निकल गए हम रेलवे स्टेशन जो है सुजानगढ़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अगली ट्रेन जो थी वो सुजानगढ़ से हमें मिली थी दिल्ली के लिए, वो पकड़ी हमने और ट्रेन में हम सब लोग बैठ गए। फाइनली बहुत अच्छे से हमारे दर्शन भी हो गए, हमें ट्रेन भी टाइम पर मिल गई और उसके बाद बस ये सफ़र पूरा हो गया। रात को 12 बजे हमने अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ी दिल्ली से और पहुँच गए कानपुर। तो इस तरीके से हमारी यात्रा जो थी बहुत ही अच्छी थी। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं इस ट्रिप से जुड़ी हुई तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर आप कुछ भी सजेशन नहीं देना चाहते तो जय श्री बालाजी लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये हमारी श्रम शक्ति जो है लगी हुई है और यहाँ पर अभी इन्होंने हमारी ट्रेन ना खोली भी नहीं है, मतलब ये जो भैया है अंदर पूरा अरेंजमेंट वगैरह कर रहा था। तो फाइनली हम लोग टाइम से ट्रेन में भी पहुँच गए, दूसरी ट्रेन भी हमें प्रॉपरली मिल गई और बस रात भर का ये सफ़र था। सुबह सुबह 6 बजे हम पहुँच गए कानपुर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग फटाफट से रेलवे स्टेशन से निकले घर की ओर और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के प्यार की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। आप लोग भी जल्दी जल्दी प्लान बनाइए, खाटू बाबा के दर्शन करने जाइए, बालाजी के दर्शन करने जाइए। और ये देखिए हम घर आए, हमें मिली बहुत सारी गौ माता और जो कि बहुत भूखी थी तो इन्हें हमने बहुत सारा खाना खिलाया, भरपेट इन्होंने खाया पिया। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री बालाजी लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री बालाजी।